इसलिए रमजान खत्म हो गया। अब जब भी मुर्गी मोड़ से या दुबराजपुर से पालोजोरी से घर आते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ न कुछ लेते आना, जैसे बच्चों के लिए लाते वैसे माँ बाप के लिए लाना। माँ बाप खाएंगे कम, ज्यादा दुआ देंगे। आजकल का नौजवान माँ बाप को खाक ला के देगा, बीवी के लिए परेशान, मोड़वा फोन करेगी करेगा कि क्या मन करो गुपचुप, शोहर एकदम पोलोथिन में छुपा के गुपचुप चुपे चुपा नहीं दे दे, ससिया बैठले हो पुतिया उड़ा दे खबरो, सास पूछ रही बड़की की खाए भाई, कल गुपचुप हुआ तो खिलाओ, कौन मना करता है? बीवी को खिलाने के लिए तो आए, खाने के लिए तो आए, खिलाने के लिए तो लाए हो। लेकिन याद रखना, माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, बीवी से मोहब्बत करने का ढंग रसूल ने सिखाया है। मैं नहीं कहता कि बीवी को मारो, माँ बाप से मोहब्बत करो, नहीं, बीवी से भी प्यार करो और माँ बाप से भी प्यार करो। इतना प्यार करो कि कभी कल घर आना, परसों आना, मोड़ से मुर्गी मोड़ से घर आते हो, बीवी की मोहब्बत देखना, कसम एक मरता तुम मोहब्बत करके देखो। अगर तेरी बीवी घर में बैठी है, सब्जी बना रही है, खाना बना रही है, या उसी टाइम अगर रोटी बना रही है, और रोटी बनाते बनाते तुम घर घुस गया और मोड़ से घर आया, खाली बीवी को देख के कहना ए ए ए जाने मन रोटी के नसील पराठा शुरू। अगर रोटी बना रही है ना, खाली जाने मन कह देना रोटी के नसील पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना फराठा में सतुआ से, और सतुआ भर दो बढ़िया लगता। मोहब्बत करो, और जब भी घर में बच्चा पैदा हो तो खुशी मना, बेटा या बेटी। क्या हाजी सर, लेकिन आजकल जहाँ बेटा पैदा होता, अरे बाप कूदल फानल मस्ती जाएगा, ए इमाम साहब, इमाम साहब कहाँ है, ए इमाम साहब क्या है रे, चलिए मेरा घरवा, चलिए चलिए चलिए, क्या हुआ बेटा, हुआ बेटा, हुआ हजरत, चलिए जो मन में सोचे थे अल्लाह ने वही दिया है, चल ना घर आता ये सब टका दे, चल गाड़ी में बिठाया, गड़गड़ा के अजान दिलवाया, एकदम दूजा के मोड़ गया, रसगुल्ला खरीद के लाया, करुआ चरका मिले मिले दो की मिलो बल बेटा। हर जहां बेटी हो गई, इमाम साहेब, इमाम साहेब क्या हुआ रे, हमार किस्मत में फूटल है इमाम साहब, क्या हुआ बेटी, लग तो मजदूर दूरी है मुरिया, लेकिन उसे नहीं पता बेटी रहमत है, बेटा नेमत है, नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब। बेटी पैदा हो तो खुशी मना, आजकल बेटी को खबर, लोग अगर बेटी पैदा हो जाए ना तो लोग खबर नहीं देना चाहता है, क्या बर खबर करेंगे बेटी भी नहीं। कसम खुदा की जिनके आंगन में ईद में दो तीन चार बेटी थी, उनके घर के माँ बाप से पूछिए ईद की तरह लगता था, घर में ईद है, सही में ईद है। हमारी चार बेटी थी, चारों बेटी ससुराल चली गई, इन सालों कोई बेटी घर में नहीं थी, मैं और मेरी वाइफ, मेरा बेटा एक बेटा है, अजीब तरह घर लग रहा था। हमको एहसास हुआ कि मैंने जो तकरीर किया सही, जब बेटी रहती है तीन चार गो ने, अरे बाप, कोई मेहंदी लगा रही है, कोई क्या कहते हैं सर झाड़ रही है, कोई दुपट्टा निकाल रही है, कोई कुर्ता पहन रही है, आंगन में जब घूमती फिरती है ना, माँ बाप की आंखों में एक खुशी के आंसू, रब की बारगाह में दुआ करता, परवरदिगार मेरे घर में दो चार बेटियां है, ऐसा लगता है ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार बन के उतर। ईद हकीकत में जिस घर में लड़की है वहीं ईद की तरह लगता है, बेटी है तो बड़ी खुशी है, जिसके घर में बेटी नहीं पांच छह खाली बेटा है, ईद के दिन में फटा फटी सुन नैल गलत में एगो पटक के लगे, क्योंकि बेटा नेमत है, बेटी रहमत है, बेटी पैदा दो चार हो जाए गम मत करना, अल्लाह देता है तो इंतजाम भी करता। आजकल जहाँ बेटी हो गई, अरे तकलीफ होती है, नहीं भैया, घर का खूबसूरती अगर है तो बेटी से है,
बेटा रमजान में नहीं देखा पकौड़ी बनाती थी बेटी, शरबत बनाती थी बेटी। बेटा कोई शरबत बनाएगा रमजान में? पकौड़ी बनाएगी? पकौड़िया लेके भाग गेलो घर, चलो उन्हें खब मार लो कहीं लेखो। लेकिन बेटी कितनी मेहनत। इसलिए मेरी माँ बहन है, आप अपनी बेटियों को कुरान बेचती जबर पढ़ाते ससुराल भेज, ताकि गरीब शोहर के यहाँ रहेंगे, शोहर गरीब मजदूरी करेगा, वो बाहर से आएंगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना देगा। और अगर बीवी ना करे तो तू कर, बीवी ना करे तो तू कर अपनी बीवी को सलाम। हजरत अली की सुन्नत नबी की यही तकरीर। हाजी साहब एक मतलब पाकोड़ जिला में हम करके चलाए, एक लड़का सोचा ठीक झारखंडी बाबा ने कहा है, अब वो क्या किया, जुम्मा पढ़ के आया। हम तो कहे थे कि जुम्मा के दिन सलाम करना, अगर बीवी ना करे तो तुम करना। जुम्मा पढ़ के आया, अरे अपनी बीवी को डायरेक्ट जाके कह दिया अस्सलाम वालेकुम। बीवी धां से खड़ी, बोलता हूँ धाधा कैसे लग रही है जी। फिर बेचारा का अस्सलाम वालेकुम, बोल तुर जुमो दिन था तुम्हारा ठीक नहीं रहा। फिर बेचारा का अस्सलाम वालेकुम, बोलता है मक्का मदीना से आलोन किए जी ना गुरु नहीं आता तो हनियो चेक करी देखे जुमा के खाली घर वाले मुँह है तक तक की बात है। चूंकि देहात में माहौल नहीं, माहौल बनाओ माहौल। कसम खुदा की जब माँ चलिए मेरे साथ, अभी मेरे साथ अभी चलिए मेरे साथ करमटा, अभी 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे रात घर जाएंगे, दरवाजा खोलेगी बीवी, गेट खोलेगी फौरन सलाम, बैग है हाथ में बैग पकड़ती है, जो भी सामान है पकड़ती है। क्यों? मैंने इसको तरजीह दी है कि तुम अमल करोगे तो ताकि हम जाएंगे बाहर तब मेरी बातों पर लोग अमल करेंगे। ये माहौल घर में बनाओ, घर में कोई माहौल नहीं है और दूसरे घर के माहौल देखने चला है। बोलो घर देखने पर ये क्या, अपने घर में पहले देखो इमाम कहाँ है उसको बड़ी देखता है। अगर मौलाना एक दिन नमाज नहीं पढ़ाया तो बड़ी देखेगा, इमाम कहाँ जा रहा है वो सूझेगा, इमाम कहाँ बैठ रहा है। पर मौलाना वहाँ बैठा लो, मौलाना को घर गिर, और बेटा बेटी को नहीं देखता है, बेटा डेढ़ बोतल पी के सुतल है घुड़मुड़िया मार ले वो नहीं सूझेगा, मौलाना मौलवी सूझता है। आजकल तो लोग इमाम को रख लेता है और हाथ धो के पड़ जाता है पीछे, कसम खुदा हर जगह। इमाम अगर रूम में चुपचाप पड़ल है किसी से बातचीत नहीं करेगा ना, उसमें भी किया बोली मौलाना गुमराहा टाइप के बातचीत नहीं कर। और अगर किसी से बातचीत गांव में यहाँ वहाँ बैठ के गप करने लगा बोलिए गाँव में लड़ाते हो ये लड़वाते हो गाँव में ये दू पार्टी करवाते ही मुल गया गाँव। अरे को थोड़ा जीट जाट पानी है चश्मा उसमें गाड़ी चला दीजिए। बोली मौलाना नजरिया ठीक नहीं हो, उन्हें ताको झाको हुआ तब के रोगाहाल मोल भी रख में आलिम आलिम है, कोई कमी हो तो बता दे, और उनकी तनख्वाह भी बढ़ा, शादी ब्याह में सोच कर पैसा दिया है तो गेट लेट गेट सेट गेट मत बना, उन पैसों को बच्चों के पढ़ाई में लगा दे, ताकि तेरा बेटा नहीं डॉक्टर इंजीनियर तो कम से कम गोशो खाजा का दीवाना तो बन जाए। मुसलमान शादी में खर्चा करेगा 30 गो गाड़ी करेगा 25 गो गाड़ी करेगा शादी में, वो सदिया पैसा पढ़ाई में खर्चा करता। 18 साल तो पढ़ा नहीं, खाली मोबाइल चलाया, फ्री फायर पबजी खेला, ड्रीम 11 खेला, 12 नतीजा 24 सदिया में खर्चा। अरे बाप 20 गो गाड़ी अलग क्या, और समधी को कागज लिख दिया, समधी जी 22 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ा का 200 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 13 गो मताल रहेगा, डेढ़ घंटा डीजे बजाएंगे, एक झोला पड़ा का फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। शादी नहीं देखना,
पूरे शादी में फंक्शन है निकाह के नाम पे, निकाह कोई नहीं देखा, आने आने वाले मेहमान ने देखा, गांव वाले लोगों ने देखा, कोई नहीं। सुन्नत मुस्तफा से कोई मतलब नहीं, खाना खा के चल दिया, पड़ाका फोड़ के चल दिया, डीजे बजा के चल दिया, क्यों रोना रोते हो कि तेरे मजहब को लोग मिटाने पे तुला है। अरे तुम सुन्नत मुस्तफा को रोन रहे हो तो दुनिया तुझे रोन रही। शादी में नहीं देखते, सब खा के चल देते, एक बजे रात तक निकाह नहीं। क्या इमाम साहब चुपचाप, इमाम साहब देख रहा कोई नहीं है, सब हवा, दूल्हा चौकी मुर्गी की तरह जप रहा है, या क्या बैठो। एक दूगो बहनोई वही जो कुकुर भूको देख दूल्हा चमक गई, बोल नहीं हम यहाँ हयो तो नया डराया कुकुर नहीं लगे ये कोगो है ना, खाली कुकुर हो यार दूल्हा बैठो पड़का फोड़ ले ले कुकुर संग सब हवा, ये कोई नहीं है। इमाम साहब एक दुगन एक आगो है तो इमाम साहब रजिस्टर में नाम नुम लिख के आया पता कि नहीं, अब देख रहा है कोई नहीं, दूल्हा चुपचाप बैठल है। अब एक दूसरे उठ बैठ 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 अब दूल्हा जाओ का बैठ, अब गवाह खोज रहा है इमाम साहब, गवाह कोई गवाह नहीं, सब तो चला गया। एक दुगो बच्चा पुतुल सुतल है, एक दुगो बूढ़ा है, इमाम साहब कह रहा चाचा हे चाचा चाचा आपका नाम गवाही लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं। बलिटा चल तो यूंठू वाला इमाम साहब हाँ रतियम चल जाते यान चले चल। अब दूल्हा कलमा पढ़ा रहा है, जिंदगी में कलमा पढ़ा रहेगा तब ना जाने, अब नींद बस ले। इमाम साहब कह रहा है पढ़ो बेटा ला इलाहा ला 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 करते रहा मौलाना साहब जी हाँ नहीं उल्टे के लिए पूरा खानदान उल्टे दो बोल मां साहब थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए। इमाम साहब कह रहा ठीक है बेटा आहिस्ते पढ़ाएंगे, पढ़ो बेटा यू ही बोल हुई हुई तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, या हुसैन का नारा लगाने वालों, अरे इमाम हुसैन का वो बेटा है 18 साल उम्र है, करबला का दूल्हा है, 22,000 फौज है, परदेश वतन है, जमीन भी गर्म है, 3 दिन का भूखा प्यासा, जब 18 साल का बेटा करबला का दूल्हा बन के मैदान करबला में उतरा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा कुरान बचाया, घोड़े पे चढ़ा शरीयत बचाया, तलवार उठाया सजदा बचाया, और गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी ना बचा सका, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन ना बचा सके, ये 30 करोड़ मुसलमान अपने देश के एक मस्जिद ना बचा सके, शरीयत मुस्तफा बचाया।